हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गंधराज प्लांट के बारे में। गार्डेनिया भी बोलते हैं इसे, तो गंधराज ही देखिए इसका नाम है। तो इसकी फूलों की खुशबू इतनी अच्छी है, फूलों का राजा इसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए गुलाब की तरह इसका फूल होता है। ये मेरे पास डबल पेटल में है, सिंगल पेटल भी इसका आता है। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और फूलों की खुशबू इसकी इतनी अच्छी होती है कि बहुत दूर तक ये अपने आसपास की जगह बिल्कुल महका के रखता है। तो आपके इस प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आए और कलियाँ ना गिरें और लीव्स येलो ना हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बताऊँगी और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आपके प्लांट पर भी इतने सारे फ्लावर आपको देखने को मिले। समर सीजन का बहुत अच्छा प्लांट है, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, खुशबू के लिए भी और सुंदरता के लिए भी बहुत प्यारा प्लांट है। तो गार्डेनिया जो प्लांट होता है, इसकी हम केयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम मिट्टी की, क्योंकि मेन जो होता है इस प्लांट में वो होता है मिट्टी। तो मिट्टी हम इस प्लांट की जो लेंगे वो सॉफ्ट मिट्टी लेंगे, क्योंकि इस प्लांट में ज़्यादा नमी बनी रहे तो भी इसे पसंद नहीं है, और बिल्कुल ड्राई हो जाए वो भी पसंद नहीं है। तो हमें इसकी सोइल लेनी है, एक हिस्सा हमें मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा हमें उसमें, अगर आपकी मिट्टी रेतली है तो रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी ऑलरेडी बहुत रेतली होती है। तो मैं एक हिस्सा मिट्टी लेती हूँ और एक हिस्सा उसमें खाद लेती हूँ, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। इन तीनों चीज़ों का मिक्सर बना के हम अपने प्लांट को लगा देना है, उससे बहुत अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी इस प्लांट की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपको पोट लेना है, थोड़ा बड़ा ही पोट लेना है। मेरा पोट देखिए आप, काफ़ी बड़ा है, ऐसे स्पेस, चौड़ाई का स्पेस इसका बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद हमें इसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है वो दिखाऊंगी अभी आपको। इस प्लांट में सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी लीव्स बहुत येलो होती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से इसकी लीव्स येलो होती हैं। तो इसकी लीव्स येलो क्यों होती हैं, क्योंकि इस प्लांट को आयरन चाहिए, आयरन की कमी की वजह से इसकी लीव्स येलो होती हैं उसकी। तो आपके प्लांट की लीव्स येलो ना हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र आज लेके आई हूँ, और बिल्कुल फ्री में, जो कि आप अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले तो हमने गुड़ाई कर ली है, अब हमें इसमें खाद डालनी है। तो ये गंधराज जो प्लांट होता है, इसे गोबर की खाद बहुत पसंद होती है। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो आप इसमें 15 दिन में एक बार गोबर की खाद डालते रहिए, और उसी का ही, गोबर की खाद को ही पानी में घोल के आप इस पर स्प्रे भी करते रहिए, तो उसी से बहुत अच्छा आपका प्लांट की ग्रोथ होगी। तो देखिए, मैंने इसके लिए जो खाद ली है, ये मैंने इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट लिया है, और इसमें मैंने ये 2 स्पून नीम खली ली हैं। तो नीम खली भी इसके लिए बहुत अच्छी है, कोई फंगस वगैरह से बचाएगी इस प्लांट को। तो हमें इसमें गुड़ाई करके, गुड़ाई हमने कर दी है, अब हमें इसमें ये डाल देना है, और गोबर की खाद भी हमें इसमें डालनी है। ये देखिए, ये गोबर की खाद है, और गोबर की खाद आप तब भी डालें, अच्छे से डीकम्पोज होनी चाहिए, ताकि हमारे प्लांट में कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें गोबर की खाद डाल दी है इस तरीके से, चारों साइड से। और गुड़ाई तब भी आप करते हैं, जड़ के पास बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी मेन रूट होती है, जो कि टूटने से प्लांट के ख़राब होने के चांस रहते हैं। आप गुड़ाई तब भी करें, यहाँ से साइड साइड में से गुड़ाई करें। तो हमने गुड़ाई तो इसकी कर दी है, अब हमें इसमें खाद डालनी है। इन दोनों को एक जगह मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके हमें इसमें ये चारों साइड इसी तरीके से डाल देना है। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो ये तो हो गया हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की कमी के लिए, जो कि बहुत अच्छे से इस हमारे प्लांट को नाइट्रोजन देगा, लीव्स अच्छी होंगी,
ग्रीनरी के लिए हमारे प्लांट पर लीव्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। अब हमें इसमें आयरन की कमी के लिए फर्टिलाइज़र डालनी है, तो उसके लिए मैंने एक उपाय निकाला है, क्योंकि लोहा जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पानी में किसी लोहे की चीज़ को 24 घंटे के लिए डुबा के रख देना है। तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा कढ़ाई है जो कि मैं अपने किचन में नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे इसे पानी में डाल के रख देती हूँ। तो मैंने कल सुबह ये पानी में डुबाई थी और अभी देखिए इसका पानी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमें इसे इसमें डुबा के रख देना है, और इसमें जो कि इसमें लोहे में आयरन होता है तो वो सब हमारा इस पानी में आ गया है। ये देखिए आप, इसका पानी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हमें इस क्या करना है, ये पानी, इस पानी में आप कोई सरसों खली भी थोड़ी मिला सकते हैं अगर आपके पास है तो, और नहीं है तो ये पानी ही सिर्फ हम अपने प्लांट में डाल देंगे। इससे हमारे प्लांट की आयरन की कमी पूरी होगी, उससे लीव्स येलो नहीं होंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है। तो बहुत ही अच्छा उपाय है और आसानी से आप सभी के घरों में मिल भी जाता है कोई ना कोई लोहे का सामान, और कुछ लोहे का सामान नहीं है तो कीले वगैरह होती हैं, कीले, लोहे की कीले होती हैं, वो भी आप पानी में ऐसे डीप करके रख सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा आपको ऐसा फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई है इसमें फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता दिया है, बहुत अच्छा है, ये डालिए और बहुत सारे फूल आपके प्लांट पे आएंगे इससे। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की, सनलाइट में आपको इसे कैसी रखना है। तो सनलाइट में आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, इसे सिर्फ आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की इसे 4 से 5 घंटे की ही धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप में आप इसे मत रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर धूप में हम इसे रखते हैं तो इसके फूल फेड होने लग जाते हैं और पत्तियाँ भी ब्राउन होने लग जाती हैं, मतलब जलने लग जाती हैं। तो आप इसे सिर्फ ऐसी जगह पर रखिए जहाँ से सुबह की 3 से 4 घंटे की ही धूप मिले, उससे आपके प्लांट पर बहुत अच्छा हेल्थी भी रहेगा और फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे, और जो कलियाँ गिरती हैं वो कलियाँ भी नहीं गिरेंगी। तो मेरे प्लांट पर आप देखिए फूल भी काफ़ी सारे हैं और फिलहाल इस पर कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं। पानी की मात्रा भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, सिर्फ चेक करके आपको इसमें पानी डालना है, तब आपको लगे बिल्कुल आपकी एक लेयर सूख चुकी है पानी की, तभी आपको इसमें पानी डालना है। तो ये प्लांट जो होता है, इसे गोबर की खाद तो पसंद होती ही है, नीम खली भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फंगस की वजह से नीम खली हम ऐड करते हैं जिससे फंगस वगैरह ना लगे। तो अभी बात करते हैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग की। रिपोर्ट आपको इसे बहुत जल्दी से नहीं करना है, क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह बार बार शिफ्ट करते रहना बिल्कुल भी इस प्लांट को पसंद नहीं है। जहाँ पर आपको ने इसे रख दिया सो रख दिया एक बार, और जब हमें इसे रिपोर्ट करना होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती है वो सब ऊपर की साइड आने लग जाती हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसकी रिपोर्टिंग के टाइम आ गया है, अभी हमें इसे रिपोर्ट करना है। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगा रहे हैं तो दीवार से थोड़ा दूर करके लगाइए, दीवार से इसे दूर करके लगाना चाहिए। अप्रैल महीने में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और बहुत अच्छे से पूरी गर्मियाँ ये फ्लावर देता रहता है। तो आप जब भी इसकी रिपोर्टिंग करें हमेशा बरसात के टाइम पर या फिर मार्च में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। इस प्लांट की ग्रो करने की बात करें तो इसे कटिंग से भी हम बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। तो जैसे ही आपको लगे कि कोई मैच्योर सी इस तरीके की, देखिए ये इस तरीके की ब्रांच आपको लेनी है और आपको सोइल में लगा देनी है। तो कटिंग जब भी आप इसकी लगाएं सिर्फ कोकोपीट में ही लगाएं, कोकोपीट में बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी और कटिंग से भी हम इसे तैयार कर सकते हैं प्लांट को।
सर्दी में ये बिल्कुल भी फ्लावर नहीं देता है, उस टाइम ये रेस्ट पर होता है। तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, इसे थोड़ा थोड़ा कट कर देना चाहिए ताकि अप्रैल में ये फिर से फ्लावर के लिए तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ब्रांचेस आ सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे प्लांट पर देखिए आप कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं, ये देखिए, और कितने सारे इस पर फ्लावर भी आए हुए हैं। हमारी पूरा टेरेस इसने खुशबू से महका के रखा है, बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने इस प्लांट के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको गार्डनिंग की ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।